Students, welcome to CR International School online study classes. I hope all of you will be fine at home. We are doing economics lesson number 3, features, problems and policies in agriculture. बेटे तो जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट हो गया होगा, features, problems and policies of agriculture, यानी इस लेसन में बेटे आपको केवल एग्रीकल्चर के बारे में ही पढ़ना है. यू नीड टू रीड ओनली अबाउट द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के फायदे, एग्रीकल्चर के नुकसान, एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस, एग्रीकल्चर के फीचर्स, जो भी आप इस लेसन में पढ़ोगे एग्रीकल्चर के बारे में ही पढ़ोगे बेटे. तो देखिए, हमारा पहला टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर की क्या महत्व है बेटे, कैसे महत्व है ये, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या लाभ है इसके हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में बेटे, एग्रीकल्चर के. तो पहला लाभ देखिए, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी. तो बेटे सबसे पहला लाभ या सबसे पहली इंपॉर्टेंस है कि जो एग्रीकल्चर है बेटे वो इंडिया की जीडीपी में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, एक महत्वपूर्ण योगदान एग्रीकल्चर का बेटे होता है. ठीक है, प्लानिंग पीरियड के दौरान बेटे, प्लानिंग जब से हुई है तब से 51% से 14% तक कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का इंडिया की इकोनॉमी में रहा है बेटे. 1951 में जब प्लानिंग स्टार्ट हुई थी बेटे, तब इंडिया की जो टोटल जीडीपी थी उसका 51% हिस्सा कहां से आता था, एग्रीकल्चर से आता था बेटे. एग्रीकल्चर से 51% हिस्सा, यानी कि अगर मान लीजिए 100 रुपए कमा रहा है इंडिया, तो उसमें से 51 रुपए एग्रीकल्चर से आप कमा रहे हो, बाकी 49 रुपीज आप सर्विस सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर से आप कमाए थे बेटे. तो आपने देखा कि एग्रीकल्चर का एक वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट कहां से आ रहा है, यानी जीडीपी का. जीडीपी यानी कि बेटे नेशनल इनकम एक तरह से. ठीक है, तो नेशनल इनकम का एक सिग्निफिकेंट पार्ट कहां से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है. ठीक है, ये तो थे 1951 के डाटा. अब देखिए 2018 और 19 के डाटा बेटे. तो 2018 और 19 में जो एग्रीकल्चर है बेटे वहां से 14.4%, 18-19 की बात कर रहा हूं बेटे, हमें 2018-19 में लगभग 14.4% यानी 15% पार्ट है वो एग्रीकल्चर से आ रहा है बेटे. तो इसका मतलब आपने देखा कि इंडिपेंडेंस की तुलना में अब जो एग्रीकल्चर का बेटे कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो थोड़ा घटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं बेटे. एग्रीकल्चर इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. बस ये पार्ट घटने का बस एक ही कारण बेटे कि इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर ने काफी ग्रोथ कर ली बेटे. ठीक है, इंडस्ट्रीज काफी ग्रो कर गया इंडिया के अंदर और सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर में एजुकेशनिस्ट लोग जाते बेटे, जो अच्छे एजुकेशन ग्रहण कर लेते हैं, अच्छी पढ़ाई वगैरह कर लेते हैं, वो सर्विस सेक्टर में जाते हैं. और इंडिया के अंदर एजुकेशन का विस्तार काफी अच्छा हो रहा है, ये आपको भी पता है बेटे. तो इस वजह से जो लोग हैं उन्होंने सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जाना ज्यादा शुरू कर दिया, जिससे कि बेटे जो एग्रीकल्चर है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन गिर गया. लेकिन स्टिल इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी हेयर इन इंडिया. भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बेटे एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के बेस पे ही, ठीक है, एग्रीकल्चर के बेस पे ही बेटे स्टार्टिंग का जो दौर था 1600वीं शताब्दी में भारत बहुत आगे था बेटे बाकी देशों से, क्योंकि उस समय होता ही एग्रीकल्चर था, तो इंडिया बहुत आगे था. ठीक है, तो ये आपने देखा भाई कि एग्रीकल्चर का एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर होता है. सेकंड देखिए, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स बेटे. वेज गुड्स ऐसे गुड्स होते बेटे जो किसी की मजदूरी के बदले आप उन्हें दे सकते हो. भाई जैसे मैंने मान लीजिए पूरे दिन काम किया आपके खेत में, अब आप रुपए देने की बजाय मुझे बाजरा दे दो या गेहूं दे दो या राइस दे दो बेटे, तो ये वेज गुड्स होते हैं. ठीक है, जो आप पूरे दिन की मेहनत के बाद जो आपको मिल जाते हैं बेटे, जिससे कि आपका खाना पीना भर जाए. ठीक है, खाने पीने का सिस्टम चलता रहे, वेज गुड्स होते हैं. ठीक है, जो मजदूरी के बदले आपको दिए जा सके. ठीक है, तो वेज गुड्स की सप्लाई भी बेटे एग्रीकल्चर से ही होती है. ठीक है, वेज गुड्स में आपका आता है बाजरा, राइस, पल्सेस, व्हीट, मेज, ऑयल सीड्स, ये सब आते हैं बेटे. ठीक है, सो एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स वेज गुड्स टू अबाउट 121 करोड़ ऑफ पीपल इन इंडिया. तो भारत के 121 करोड़ लोगों को ये वेज गुड्स प्रोवाइड करा के देती है एग्रीकल्चर, यानी कि राइस वेज गुड्स है बेटे. ठीक है, व्हीट वेज गुड्स है, पल्स वेज गुड्स है, ऑयल वेज गुड्स है. तो इंडिया की इतनी बड़ी जनसंख्या को बेटे एग्रीकल्चर वेज गुड्स प्रोवाइड कराकर देती है. सेकंड इंपॉर्टेंस. थर्ड देखिए, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेटे. सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि भारत के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा बेटे, तो बहुत सारे लोगों को ये रोजगार प्रोवाइड कराकर देते बेटे. सो इन इंडिया देयर इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट.
प्रोवाइडेड बाय द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भारत के बहुत से लोग लगे हुए होते हैं बेटे, बहुत से लोग, लगभग 50% से ज्यादा लोग बेटे एग्रीकल्चर में लगे हुए होते हैं। तो एक सिग्निफिकेंट सेक्टर है बेटे जो भारत के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराकर देता है, भारत के लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराकर देता है बेटे, ठीक है। तो लोग इसमें काम करते बेटे और अपने सब्सिस्टेंस लेवल को मेंटेन रखते हैं, सब्सिस्टेंस यानी रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। तो ये इस तरह से सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का भी एक बड़ा साधन है। भारत के बहुत से लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं बेटे। आगे सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल बेटे कच्चा माल, ठीक है, कच्चा माल। जैसे कि बेटे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी सूती कपड़ा उद्योग, उसके लिए कच्चा माल होता है बेटे कॉटन, ठीक है, कॉटन। और जो आपकी शुगर शुगर कैन, शुगर इंडस्ट्री होते हैं उसके लिए कच्चा माल होता है शुगर कैन यानी कि गन्ना बेटे, ठीक है। तो ये जो कच्चे माल हो गए, रॉ मटेरियल हो गए, ये कौन प्रोवाइड करा के देता है आपको? एग्रीकल्चर ही प्रोवाइड करा के देता है बेटे, ठीक है। ऑयल इंडस्ट्री जो हो गई बेटे, ठीक है, ऑयल आप सरसों का तेल बनाते हैं उसके लिए सरसों आपको उगानी पड़ते बेटे, ऑयल इंडस्ट्रीज के लिए जो बीज चाहिए वो भी हमें एग्रीकल्चर से मिलता है। तो आपने देखा बेटे कि जो रॉ मटेरियल होता है, जो इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल या कच्चा माल का प्रयोग किया जाता है बेटे, वो कहाँ से आया? एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर हैज प्रोवाइड यू द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल, कच्चे माल की जो आवश्यकता पड़ती है बेटे, वो भी एग्रीकल्चर प्रोवाइड करा के देती है। यानी अगर एग्रीकल्चर नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज भी नहीं होगी बेटे। तो इंडस्ट्रीज के बेटे फल फूलने के पीछे एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हाथ होता है। जब ब्रिटेन बेटे औद्योगिक क्रांति आई थी तो उन्होंने इंडिया से सारा का सारा रॉ मटेरियल इंडिया से वो बेटे लेकर जाते थे, इंग्लैंड भेजते थे। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के सक्सेसफुल होने का एक रीजन बेटे ये इंडिया से गया हुआ कच्चा माल भी था, बाहर से बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल वो लेकर जाते थे, जिसकी वजह से काफी अच्छी रेवोल्यूशन वहां पर आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो आपने देखा बेटे जो एग्रीकल्चर है वो रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल में भी सहायता करता है, उनके लिए भी कच्चा माल प्रोवाइड कराकर देता है। आगे सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स बेटे, इंडस्ट्रियल गुड्स के अंदर देखो क्या आएंगे आपके, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर्स, मशीन्स, ये सबका यूज बेटे एग्रीकल्चर में होता है। ट्रैक्टर से जो भूमि होती है उसकी जुताई की जाती है बेटे, ठीक है, हार्वेस्टर से कटाई की जाती है, थ्रेशर से बेटे, थ्रेशर से भी कई कई काम होते हैं वहां पर एग्रीकल्चर के अंदर, मशीनें भी यूज होते हैं बेटे। तो ये सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, कैसे प्रोडक्ट है ये, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज इनका निर्माण करते हैं, ट्रैक्टर का, हार्वेस्टर का, थ्रेशर का, मशीनों का बेटे। तो आपने देखा कि इनकी डिमांड के पीछे भी एक कारण क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर नहीं होती तो बेटे हार्वेस्टर की कौन डिमांड करता, थ्रेशर की कौन करता, चलो ट्रैक्टर की तो फिर भी हो जाती माल वो करने के लिए, लेकिन ये है कि भाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड भी एग्रीकल्चर से होती है। तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटे कि इट इज अ सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल गुड्स का यूज होता है एग्रीकल्चर में, ट्रैक्टर का, मशीनों का, हार्वेस्टर्स का, थ्रेशर्स का। तो इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड के पीछे भी एक बड़ा हाथ एग्रीकल्चर का बेटे, यानी कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को सपोर्ट करती है बेटे, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के फल फूलने का कारण एग्रीकल्चर है बेटे, ठीक है। तो इसीलिए इट इज अ सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बेटे, जो ट्रैक्टर होते हैं, हार्वेस्टर होते हैं, ठीक है, इनकी डिमांड एक्सक्लूसिवली केवल एग्रीकल्चर सेक्टर ही करता है। सो एग्रीकल्चर प्रोस्पैरिटी इंप्लाय प्रोस्पैरिटी इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो एग्रीकल्चर में अगर प्रोस्पैरिटी आएगी, प्रोस्पैरिटी यानी समृद्धि, समृद्धि, फल फूलना, डेवलप होना किसी चीज का, तो अगर एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डेफिनेटली डेवलप होगा। आगे देखिए कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड बेटे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। जब हम आजाद हुए थे तब तो हमारा व्यापार केवल ब्रिटेन के साथ ही सीमित था, लेकिन बेटे अब हमारा व्यापार अलग अलग विभिन्न विभिन्न देशों से होता है, ये आपको पता ही है। रशिया हो गया, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक बड़ा व्यापारी है आज वो हमारा, चाइना बेटे, चाइना, आप कितना ही चाइना से लड़ाई कर लो, युद्ध कर लो, ठीक है, उनका बायकॉट कर लो, बट चाइना से आप ट्रेड खत्म नहीं कर सकते। तो चाइना से भी बहुत हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है बेटे। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे कि स्पाइसेस हो गए, जूट हो गई, कैश्यू नट्स हो गए, काजू जिसे हम कहते हैं बेटे, ठीक है, और टी हो गई, आसाम की टी कितनी फेमस है बेटे, ब्रिटेन में भी फेमस है आसाम की टी, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट है ये एग्रीकल्चर से हमें मिलते हैं बेटे। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के कारण हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है बेटे। तो इन्होंने बताया हुआ है कि इन 2018-19 में जो एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन था बेटे ट्रेड के अंदर वो 11 point, ठीक है, देख लेता हूँ मैं, 11.76% था बेटे, ठीक है। यानी कि 12% भाग जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो एग्रीकल्चर से आता है हमारे पास, ठीक है।
तो जो इंटरनेशनल ट्रेड हम करते हैं दूसरे देशों के साथ, उसका 12% जो भार होता रहता है बेटे एक्सपोर्ट होता है वो एग्रीकल्चर से आता है, जिसमें आपका टी आ गया, जूट हो गई, जूट की रस्सी आती है ना जूट बेटे, वो हो गया आपका, कैश नट्स हो गए, तंबाकू हो गई, कॉफी हो गई बेटे, स्पाइसेस हो गया, इन सब का हम एक्सपोर्ट करते हैं और ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कहलाते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर से इंटरनेशनल ट्रेड में भी सहायता मिलती है। आगे देखिए कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड बेटे, तो जब इंटरनेशनल ट्रेड में सहायता मिलेगी तो डेफिनेटली डोमेस्टिक ट्रेड में भी सहायता मिलेगी, क्योंकि इंडिया में भी तो बनते हैं बेटे प्रोडक्ट है, ठीक है, इंडिया में भी तो वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो बनते हैं, तो इंडिया में जो इंडस्ट्रीज होते हैं बेटे उन्हें भी जो कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है, वो कौन प्रोवाइड करा कर देगा, एग्रीकल्चर प्रोवाइड करा कर देगी बेटे, वो एग्रीकल्चर आपको प्रोवाइड करा कर देगी। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कॉन्ट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड इज वेल, तो एग्रीकल्चर से जो डोमेस्टिक ट्रेड हमारा घरेलू व्यापार है जो इंडिया के अंदर होता है उसे भी सहारा मिलता है बेटे, वो भी उस इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। तो इन्होंने कहा हुआ है बेटे कि दिस इज बोर्न आउट बाय द फैक्ट दैट द ह्यूज एक्सपेंडिचर इन इंडिया इज इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फॉर द इंडस्ट्रियल सपोर्ट बेटे, तो इंडिया के अंदर भी मिलियन बिलियन ऑफ खर्चे होते हैं बेटे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर, ताकि उससे इंडस्ट्रीज चल सके बेटे, हम प्रोडक्ट तैयार कर सके। इंडिया में भी तो चीनी बनती है, इंडिया में भी तो बेटे तेल बनता है, ठीक है, सरसों का तेल बनता है, ठीक है, इंडिया के अंदर भी तो सूती कपड़े उद्योग की इंडस्ट्रीज लगी हुई है गुजरात वगैरह में, कि कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड, तो मैं आपसे कह रहा था कि भाई डोमेस्टिक ट्रेड के लिए भी तो एग्रीकल्चर ही बेटे रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है भाई, डोमेस्टिक जो हमारे ट्रेड होते हैं, डोमेस्टिक व्यापार होते हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बनती है, उन्हें जो रॉ मटेरियल चाहिए बेटे वो भी तो एग्रीकल्चर प्रोवाइड आपको करके देता है बेटे। इंडिया में भी तो शुगर कैन बनती है, इंडिया में भी तो बेटे गन्ने से क्या नाम है चीनियाँ बनती है, सूती कपड़े उद्योग में कॉटन यूज होते बेटे, ऑयल बनाने में जो सो आपकी होती है वो यूज होती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, कितनी इंडस्ट्रीज गिनवाई जाए बेटे, ठीक है, जूट की रस्सियां बनती है यहाँ पर भी बेटे, बहुत काम होते हैं। तो इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए बेटे एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस भारत के लिए भी है और साथ ही साथ जो हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं उसके लिए भी होती है। आगे सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बेटे, ट्रांसपोर्ट के दो बहुत बड़े साधन भारत के अंदर है, रेलवे और रोडवेज बेटे, तो रेलवे और रोडवेज आज चल ही इसलिए रही है क्योंकि उसमें बेटे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सप्लाई की जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रेलवे तो आप देखोगे बेटे घाटे में रहती है हर साल, रेलवे तो घाटे में ही रहती है, और घाटे में रहने का कारण होता है उसकी पैसेंजर ट्रेनें बेटे, मालगाड़ियां अगर ना चलें तो रेलवे का जो घाटा बेटे वो 3 या 4 गुना हो जाएगा आपका। तो रेलवे जो थोड़ा बहुत पैसा कमाती है बेटे वो तो मालगाड़ियों से ही कमाती है, गुड्स को ट्रांसफर करती है बेटे, और उन गुड्स में आप देखोगे प्याज हो गई भाई, आलू वगैरह हो गए, राइस हो गए, वीट हो गए, सीमेंट वगैरह हो गए, तो बहुत से प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करते बेटे। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के कारण ही, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के कारण ही जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज होती है जिसमें रोडवेज और रेलवेज आते हैं बेटे, ये सरवाइव कर पाती है। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं होंगे तो रेलवेज और रोडवेज को बहुत धक्का लगेगा बेटे, ठीक है, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उन्हें रिवेन्यू नहीं मिल पाएगी बेटे, ठीक है, क्योंकि रेलवे केवल पैसेंजर ट्रेनों के बल पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी, और रेलवे भी बेटे होते हैं जो रोड बनाए जाते हैं वो लंबे लंबे रोड इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि गुड्स को हम ट्रांसफर कर सके फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर बेटे, ठीक है, जो नेशनल हाईवे होते हैं उनके जो टोल टैक्स होते बेटे वहां पर ये जो गुड्स ट्रक वगैरह जाते हैं ये हाई गिल्टी पे करते बेटे, बहुत ज्यादा हाई चार्जेस पे करते हैं, जिसके कारण जो ठीक है रोडवेज इंडस्ट्री है एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी है आपकी, उन्हें थोड़ी रिवेन्यू मिल पाती है। अगर ये गुड्स हम ट्रांसफर ना करें बेटे एग्रीकल्चर गुड्स को, तो ये इंडस्ट्री भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, यानी रेलवे और रोडवेज का सर्वाइव करने का कारण भी एग्रीकल्चर है। और लास्ट बेटे वेल्थ ऑफ द नेशन, वेल्थ का मतलब होता है धन, राष्ट्र का धन या राष्ट्र की संपदा ही एग्रीकल्चर है, क्योंकि तो बेटे जो फिक्स्ड असेट्स होती है, लैंड आपकी जो होती है ना जमीन भूमि, वो फिक्स्ड असेट्स के अंडर आती है, और वो फिक्स्ड असेट्स किसे बिलोंग करेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर को, क्योंकि एग्रीकल्चर में जिस जमीन पर आप खेती कर रहे हो बेटे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड फिक्स्ड असेट्स है। तो इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी संपत्ति है बेटे वो जमीन है हमारी, भूमि है हमारी, जिस भूमि पर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं बेटे, शायद इंडिया के अंदर सबसे हाई रेट ही फिक्स्ड असेट्स की होंगी, ठीक है, क्योंकि इतनी जमीन भारत के अंदर इतना वर्ग एरिया फैला हुआ है बेटे, एक जमीन की कीमत आप देखो कितने करोड़ों रुपए में होती है, कीले वगैरह कितने करोड़ों रुपए में होते हैं बेटे, तो जो जमीन की सारी कीमत लगा लीजिए कितनी हाई संपत्ति हो गई बेटे, कितनी ज्यादा हाई हो गई, और वो सारी सारी संपत्ति, वो सारी सारी एग्रीकल्चर लैंड किसे बिलोंग्स करती है, एग्रीकल्चर को बेटे। तो जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर में जो लैंड यूज होते हैं बेटे, जो जमीन या भूमि यूज होती है, वो हमारे राष्ट्र की धरोहर है, हमारे राष्ट्र का धन है बेटे। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी।
जी बेटे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका द कैटेगरीज ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। ठीक है, देखिए फार्मर की विभिन्न कैटेगरीज हैं, वर्गीकरण है उनका, किस फार्मर को स्मॉल कहेंगे, किसको लार्ज कहेंगे, किसको मीडियम कहेंगे, किसको सेमी मीडियम, इस तरह से आपको बताया हुआ है। तो फार्मर्स की कैटेगरी बताई हुई है, किसान की कैटेगरी बताई हुई है, किस तरह से होती है। देखिए मार्जिनल फार्मर जो होता है, ठीक है, सीमांत किसान इसे कहते हैं, ठीक है, मार्जिनल फार्मर जो होता है बेटे, उसके पास देखिए 1 हेक्टेयर जमीन होते बेटे, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है, ठीक है, 2.5 एकड़ होता है बेटे 1 हेक्टेयर में। तो जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर जमीन है, यानी 2.5 एकड़ जमीन होती है, उसे भारत के अंदर हम मार्जिनल किसान कहते हैं, सीमांत किसान है वो, बहुत कम जमीन उसके पास है बेटे, 1 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.5 एकड़ होता है, तो जितने भी हेक्टेयर हो उसे आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो एकड़ में आ जाएगी जमीन, कितनी एकड़ आपके पास है बेटे। लेकिन देखिए स्मॉल फार्मर यानी छोटे किसान हम किसे कहेंगे बेटे, स्मॉल फार्मर जिसके पास 1 हेक्टेयर से तो ज्यादा जमीन है लेकिन 2 हेक्टेयर से कम जमीन है बेटे। जैसे मान लीजिए 1.5 हेक्टेयर जमीन आपके पास है, 1.5 हेक्टेयर जमीन है, तो आप स्मॉल फार्मर कहलाएंगे। स्मॉल फार्मर बनने के लिए 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन आपके पास होनी चाहिए और 2 हेक्टेयर से कम जमीन आपके पास होनी चाहिए, यानी 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आपके पास हो सकती है एक स्मॉल फार्मर बनने के लिए। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर से ज्यादा बेटे और 2 हेक्टेयर से कम, स्मॉल फार्मर हो आप। इसके बाद देखिए सेमी मीडियम एंड मीडियम फार्मर कौन से होंगे, सेमी मीडियम और मीडियम फार्मर, ठीक है, ठीक है, जो ना ज्यादा स्मॉल है और ना ही लार्ज है। तो जिसके पास मोर देन 2 हेक्टेयर जमीन होती है बट लेस देन 10 हेक्टेयर, यानी 2 हेक्टेयर से तो ज्यादा है लेकिन 10 हेक्टेयर से कम है, वो आप मीडियम या सेमी मीडियम फार्मर आप कहलाओगे बेटे, 2 हेक्टेयर से ज्यादा और 10 हेक्टेयर से कम। ठीक है, अब देखो 2 से 3 है अगर, ठीक है, सेमी मीडियम में आप कहोगे 2 से 5 हेक्टेयर अगर आपके पास जमीन है तो वो सेमी मीडियम हो गया बेटे, और 5 से अगर 10 है तो वो हो गया मीडियम फार्मर। ठीक है, तो सेमी मीडियम में 2 से 5 और मीडियम में 5 से 10 बेटे, इस तरह से। आगे देखिए लार्ज फार्मर, लास्ट है लार्ज फार्मर बेटे, तो जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन होते बेटे, ठीक है, 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन, 25 एकड़ से ज्यादा जमीन जिसके पास होगी बेटे, वो आपका लार्ज फार्मर कहलाएगा। तो इस तरह हम फार्मर्स की कैटेगरी बना सकते हैं इंडिया के अंदर, कि मार्जिनल फार्मर जिसके पास 1 एकड़ है, स्मॉल फार्मर 1 से 2 एकड़ के बीच में जिसके पास है, ठीक है, सेमी मीडियम या मीडियम बेटे जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा है लेकिन 10 हेक्टेयर से कम है, और लार्ज फार्मर जिसके पास 10 हेक्टेयर या उससे ज्यादा जमीन होती है। थैंक यू वेरी मच।